में वकील नहीं, और जब उस तकसीब को सामने रखा जाएगा कि अल्लाह की जात मुराद है तो तर्जुमा होगा अल्लाह के पकड़ने में वकील नहीं, अल्लाह के पकड़ने में वकील नहीं। तब जब कंजूल ईमान हमने खोल कर दिखाया कि तफसीर में है नबी के पकड़ने में वकील नहीं, तो वो भी लेके खड़ा हो गया कि तफसीर में है अल्लाह के पकड़ने में वकील नहीं। हम कहते हैं नबी के पकड़ने में वकील नहीं, वो कहता अल्लाह के पकड़ने में वकील नहीं, अल्लाह के पकड़ने में वकील नहीं तफसीर में है, नबी के पकड़ने में वकील नहीं तफसीर में है। मैंने कहा जब दोनों तफसीर में है तो दोनों मान, अगर तू है मुसलमान अंदर से खुद को पहचान फिर खुल के दोनों मान। अरे हम अल्लाह के बंदे हैं, जब तो कहेगा अल्लाह के बताने में वकील नहीं है तो बंदा होने के नाते बहुत अच्छा लगेगा, अल्लाह के बताने में वकील नहीं मैं उसी का बंदा हूँ, और तर्जुमा ये हुआ कि नबी के बताने में वकील नहीं तभी मैं बहुत अच्छा लगेगा, उम्मती होने के नाते अच्छा लगेगा कि मेरा नबी के बताने में वकील नहीं, अल्लाह के बताने में वकील नहीं ये तुझे अच्छा लगा, और नबी के बताने में वकील नहीं खराब क्यों लगा। बात है क्या तू बंदा तो हो गया उम्मती नहीं हुआ, जरा हम सुन्नियों को देखो दोनों को मानते हैं, बात सुन लो पूरा कुरान मानना, देखें कितने लोग कैच करते हैं, पूरा कुरान मानना शरीयत है, पूरा कुरान मानना शरीयत है, और कुछ मानना कुछ छोड़ देना तबीयत है, तो दोनों को मानना शरीयत है, एक मानना एक झटक देना तबीयत है, हम शरीयत पे चलते हैं वो तबीयत पे चलते हैं, चलो यही मानो। हमें हमारा अकीदा तो इतना सच्चा है, इतना अच्छा है, इतना पक्का है, तो चाहे जो मानो रसूल का इल्म गैब साबित, चाहे ये तफसीर मानू चाहे वो तफसीर। अगर तुम ये कहते हो नबी गैब बताने में वकील नहीं, नबी गैब बताने में वकील नहीं तो नबी का इल्म गैब साबित, और अगर ये कहते हो अल्लाह गैब बताने में वकील नहीं, अल्लाह गैब बताने में वकील नहीं तब भी नबी का इल्म गैब साबित, इसलिए कि जब अल्लाह का बताने में वकील नहीं तो बहुत बताया होगा। एक जुमले में तवज्जो, जब अल्लाह का बताने में वकील नहीं तो बहुत बताया होगा, जिसको चाहा होगा बताया होगा, और जितना चाहा होगा और जब जब चाहा होगा, अरे जब वकील नहीं है तो जिसका डर चाहा होगा बताया होगा, और सबसे ज्यादा किसको बताया होगा, सबसे ज्यादा जिसको चाहा होगा, और सबसे ज्यादा किसको चाहा होगा, सबसे पहले जिसको बनाया होगा। Created by Allah Almighty is my Noor. जमी से पहले, जमा से पहले, मकी से पहले, मकर से पहले, जहन से पहले, वहन से पहले, जर्रा जर्रा से पहले, तसला तसला से पहले, सहरा सहरा से पहले, गुलशन गुलशन से पहले, चमन चमन से पहले, गुल गुलिस्ता से पहले, से पहले, इसमें से पहले, फर्श से पहले, अक्ष से पहले, मकान से पहले, रामकन से पहले, जमी से पहले, जमा से पहले, रूप से पहले, इल्मा से पहले, फिरदौस से पहले, तस्नीम से पहले, कौसर से पहले, से पहले, फरिश्तों से पहले, जिब्रील से पहले, मीकाईल से पहले, इस्राफील से पहले, इज़राइल से पहले, अख़बार से पहले, अख़ताब से पहले, अवताब से पहले, रकबा से पहले,
नौजवान से पहले मुस्तहदीन से पहले मुतकल्लमीन से पहले मुजद्दिदीन से पहले मुहद्दिसीन से पहले मुफस्सिरीन से पहले मुमिनीन से पहले दाता से पहले काजा से पहले हिंद से पहले सिंध से पहले अरब से पहले अजम से पहले पहले हाकिम से पहले मुतालिब से पहले अब्दुल्ला से सांस की गई लेकिन नहीं पूरी शरीफ में बेटा बाद में होता है बाप पहले। यह कराची का सिस्टम क्या है? अगर सैयद साहब थोड़ी नार शरीफ से आए कहां बैठे हो? बैठो भैया, आपके वहां क्या है काठियावाड़ में? हमारे यहाँ पूरी दुनिया में, पूरी एशिया में, पूरी अरब में, पूरी अजब में मुख्तसर ये है कि बेटाबाद में होता है बाप पहले, गोसाबाद में होता है दादा पहले, पर गोसाबाद में होता है पर दादा पहले। मैं बात बशरियत की नहीं कर रहा हूँ, आदमियत के इंसान होने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात वजूद की कर रहा हूँ। दुनिया का हर इंसान बाद में बाप पहले, हम बाद में दादा पहले, हम बाद में पर दादा पहले। और एक नबी का नूर है जो अपने बाप से पहले, अपने दादा से पहले, अपने आबा से पहले, अल्लाह से पहले। बड़े समझने की है, ये आपने अभी रूपर व नजारा कुछ नसीबों के नामों को सुना, मन नजारा देखा कि उम्रे के लिए जा रहे हैं, उम्र भर की फिकर एक उम्र में, देखो किसमें आते हैं ये लोग किस जुमरे में। मगर पहले की बात बड़ी आजादी की थी, जो चाहे हज करने चला जाए, जब चाहे जितने दिन चाहे रहे। अरे तब सुन्नियों की हुकूमत थी, अब अगर वही आराम चाहते हो तो दुआ करो कि सुन्नियों की हुकूमत हो जाए और जो डकैत जहां से आया वहीं लौट जाए। सारे मुरीदों को इकट्ठा करके जहाज में बिठा करके पीर मुर्शीद अमरीका के पास भेज दो, मुस्कुराकर जवाब रिलैक्स हो गए हैं। एक साथ कराची आ गए, बनारस का लंगड़ा मुंह से लगा हुआ था, बहुत जमाना गुजर गया, लंगड़ा आम खाए हुए अर्था हो गया था। मेरी तरह कोई आया, मौसम आम का था, लंगड़ा लेके आया, उनको दिया, बड़े खुश हुए। लंगड़ा आम उन्होंने जब खा लिया तो उसकी गुठली को दरवाजे पे गड्ढा करके लगा के पानी डाल के मुतमईन हो गए। पिक्चर पार्क से सऊदी अरबिया जाना हो गया, पानी के जहाज से सऊदी अरबिया गए, वहां नौकरी मिल गई, 10 साल रहे। 10 साल के बाद जब वो कराची फिर पानी के जहाज से लौटे तो आम की का मौसम